कैसे आप? मेरा नाम राशि सियाल है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर गाड़ियों के बारे में मालूमात देते रहते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, आज हम आपको गाड़ी का पेंट चेक करने का तरीका बताएंगे। आज आपको बताएंगे कि आपने गाड़ी की सीलें कैसे चेक करनी है। गाड़ी लेने से पहले ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं व्यूअर्स, क्योंकि जो गाड़ी टचअप होगी उसका रेट और होगा, जो गाड़ी जेन्युइन है उसका रेट। दो गाड़ियाँ हैं, एक 13 मॉडल है, एक 19 मॉडल है। आइए आपको बताते हैं आपने शुरू कहाँ से करना है। सबसे पहले व्यूअर्स, आपने गाड़ी का गेट खोल लेना। गेट खोल कर सबसे पहले गेट की सील चेक करनी है। ये सील डिस्टर्ब है, जेन्युइन सील ऐसे नहीं होती, ये देख रहे हैं आप, सीलें डिस्टर्ब हैं यानी कि टूटी हुई हैं। इस गेट की सीलें ठीक हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आपने कैसे चेक करना है। पहले आपको दिखाते हैं जेन्युइन जिसकी सीलें ठीक हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये सील आ रही है, ये होती है इसकी सीलें एंड तक। ये ऐसे नीचे देख लेंगे, बिल्कुल अच्छा ठिकाना ये हो गया। ये देखें, इस गेट की सीलें डिस्टर्ब हैं, इसमें आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये देखें, ऊपर से ठीक आ रही है सील, ये यहाँ तक सही आई है। यहाँ पे आके ये थोड़ी सी जो भी हुआ है, इसे रगड़ लगी है या कोई साइड लगी है, तो ये इन्होंने ये इसकी सील डिस्टर्ब हुई है। ये देखें, ये सील नहीं है यहाँ पर, ठीक हो गया। आपने गाड़ी की हर चीज़ को चेक कर लेना है, गाड़ी के पिलर, ये चीज़ें, गाड़ी की फुट बैरियाँ, क्योंकि गाड़ी जो लगी होगी हिट होगी तो कोई ना कोई कहीं पर कोई पेंट या कोई निशान ऐसा ज़रूर होगा जिससे आप पकड़ सकें कि गाड़ी यहाँ से लगी हुई है। ऐसे इस गाड़ी के यहाँ पे हाथ फेर लेना है, देखना है कि कोई इस गाड़ी के पेंट में कोई चीज़ रफ़ तो नहीं है, गाड़ी का पेंट रफ़ तो नहीं है, क्योंकि व्यूअर जो जगह रफ़ होगी वहाँ पे मतलब गाड़ी का पेंट है, गाड़ी पेंट दोबारा हुई है वहाँ पे। इसकी ये चीज़ें देख लेनी है व्यूअर्स, देख सकते हैं गाड़ी के अंदर से सीलें ठीक हैं। इसी तरह व्यूअर्स, आपने गाड़ी के अंदर की कंडीशन भी चेक कर लेनी है, क्योंकि जो गाड़ी कल्टी होगी या हिट होगी क्या उसकी ये जो पिलर होते हैं उनकी ये जेन्युइन चीज़ें वैसी जेन्युइन हालत में नहीं आती, उनकी कोई ना कोई चीज़ें छत या इसकी ये पापड़ियाँ वगैरह बाहर निकली होती हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी हिट कल्टी हुई हुई है। इसी तरह व्यूअर्स, आपने गाड़ी का बोनट खोल लेना है। ये व्यूअर्स गाड़ी का फ्रंट होता है, ये इस गाड़ी के कुप्पे भी कहते हैं इन्हें, ये होते हैं गाड़ी के कुप्पे, इन्हें चेक कर लेना है कि ये कोई बना हुआ तो नहीं है। और चेक कैसे करेंगे व्यूअर्स, ये गाड़ी के जेन्युइन स्पॉट होते हैं, ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे से इसके अंदर आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, ये जेन्युइन स्पॉट होते हैं और ये इसकी जेन्युइन सीलें हैं, ये देख रहे हैं। जब ये पेंट होती है या गाड़ी अच्छा लगती है तो ये स्पॉट, क्योंकि साफ जाहिर है गाड़ी पे पुटीन लगती है, पुटीन लगने की वजह से इसकी ये स्पॉट बंद हो जाते हैं और पता चल जाता है कि कारीगर जितना भी अच्छा हो जाए वो कंपनी के साथ की तो गाड़ी नहीं तैयार कर सकता, पता चल जाता है आराम से, ये जेन्युइन है व्यूअर्स, देख लें आप। इसी तरह व्यूअर्स, आपने सारी गाड़ी को चेक कर लेना है ऐसे नीचे तक, इसका ये कुप्पा भी चेक कर लेना है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, जो गाड़ी हिट होती है तो वहाँ पे, अब ये देखें, ये थोड़ा निशान देख रहे हैं आप, यहाँ से गाड़ी थोड़ी सी टचअप हुई है, कोई साइकिल या कोई मोटरसाइकिल या थोड़ा सा कोई अच्छा गाड़ी को यहाँ से थोड़ा सा झटका लगाया, हल्की सी रगड़ लगी है, इसका ये चीज़ तो इसकी जेन्युइन पड़ी है लेकिन ये थोड़ा सा निशान है, ये इसके स्पॉट देख रहे हैं आप, ये व्यूअर्स ये भी जेन्युइन ठहरे हैं, क्योंकि अगर ये बनते तो यहाँ पे पेंट होता और ये इसके स्पॉट बंद हो जाते पुटीन की वजह से। इसी तरह व्यूअर्स, आपने बोनट की सीलें भी चेक कर लेनी है, इसके बोनट की सीलें भी अच्छा ठीक है ना, ये बाहर से शावर है बोनट, ये देखें, एक तो ये रफ है, वाजे पता चल रहा है कि गाड़ी का यहाँ पे पेंट हुआ हुआ है गाड़ी को, इसका ये कलर और है, ये कलर और है। इसी तरह व्यूअर्स, सारी गाड़ी को गौर से चेक कर लेना है, इनकी इन दर्जों को ये देख रहे हैं, ये सारी लेवल में होनी चाहिए, गेटों की, बोनट की, डिक्की की, ये इसकी जेन्युइन है, ये जेन्युइन ऐसे होती है, जो पीस टचअप होगा कोई गेट या कोई बोनट या डिक्की तो उसकी दर्ज में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जेन्युइन फिर ऐसे ये बिल्कुल लेवल में नहीं आती। ये देखें, ये देखें दूसरी साइड का आप दिखाते हैं, वो आपको बताया था कि वो थोड़ी सी उस साइड उसका है, कोई साइकिल या मोटरसाइकिल लगा है उसके बॉडी गार्ड में, उसमें फ़र्क होगा।
ये देखें, इसका वक्फा ज़्यादा है, उसका वक्फा थोड़ा कम है, मतलब ये थोड़ी सी साइड इसकी है। ये फाइंडर इसका टच है व्यूअर्स, इसे व्यूअर्स आप गौर से देखेंगे तो आपको इसमें हल्के हल्के निशान नज़र आएंगे और थोड़े थोड़े स्क्रैच भी। बिल्कुल गौर से कोशिश करें आप गाड़ी दिन में चेक करें, क्योंकि रात के टाइम आपको सही तरीके पता नहीं चलेगा। नए बंदे के लिए तो वैसे भी बड़ा मसला है। इसी तरह व्यूअर्स आपने गाड़ी चेक कर लेनी है इनके इन चीज़ों को। ये हो गया, क्योंकि जो भी टचअप होगा वहाँ पे कोई गाड़ी का पेंट थोड़ा बहुत रह जाता है। इसी तरह व्यूअर्स माडी गार्ड की भी सीलें होती हैं, ये देखिए ये सील जा रही है। जो माडी गार्ड बना हुआ होगा उसकी ये सील डिस्टर्ब होगी, आप समझ जाएंगे कि इसकी ये साइड बनी हुई है। इसी तरह व्यूअर्स डिग्गी की सीलें चेक कर लेनी है, ये देखिए ये जेन्युइन सीलें हैं इसकी। ये टोटल सीलों में होती है, ऐसे सील होती है शुरू से लेकर एंड तक, ये देखिए। क्योंकि जो ये लगती हिट होती है जो चीज़, तो इसकी ये सील डिस्टर्ब हो जाती है और जितना भी अच्छा कारीगर हो जेन्युइन ये नहीं बना सकता। ये देखें ये सील आ रही है इसकी डिग्गी की इस साइड पे, ये देखें ठीक हो गया। इसी तरह व्यूअर्स इसके स्पॉट, ये देखें ये जेन्युइन स्पॉट होते हैं, ये जब गाड़ी हिट होती है ये लगती है तो इधर पुटीन भर देते हैं, जिसके साफ पता चलता है कि ये गाड़ी बनी हुई है। पेंट से भी पता चल जाता है, और आप इसे हाथ लगा कर चेक करेंगे, अगर ये रफ होगी आपने सारी गाड़ी ऐसे चेक कर लेनी है। जो पीस जो पेंट होगा तो वहाँ आपका पेंट आपको बताएगा वो थोड़ा रफ होगा। इसी तरह व्यूअर्स आपने चारों गेटों की सीलें चेक कर लेनी है। नई गाड़ी लेते वक्त खास तौर पे ख्याल करें, गाड़ी जो टचअप होगी उसका रेट कम होगा, और जो जेन्युइन गाड़ी होगी जैसे इसके दो तीन पीस टच हों तो इस गाड़ी के रेट में 3-4 लाख रुपये फर्क आ जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, ये जेन्युइन नई गाड़ी के जेन्युइन की पेंट आता है, ये देखें ये जेन्युइन है बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल। इसी तरह व्यूअर्स बोनट की भी सीलें चेक कर लेनी है, ये देखें ये इसकी जेन्युइन सीलें हैं, पहले आपको बताया था वो दोबारा बनी लगी हुई थी। और व्यूअर्स बोनट के इन काबलों को भी चेक कर लेना है कि ये खुले हुए तो नहीं है, क्योंकि ये जब खुलते हैं तो इन पे निशान लग जाता है तो पता चल जाता है कि इसका बोनट खुला हुआ है या पेंट हुआ हुआ है। सारी गाड़ी व्यूअर्स ऐसे एंड तक, ये एंड तक सीलों में होती है, ये देखिए जेन्युइन सिलिकॉन होती हैं इसकी, ये लगी होती हैं। जो फ्रेश मोटर होगी उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, और आपको फ्रेश मोटर लेनी चाहिए, क्योंकि जो टचअप हो जाती है अच्छा उसका रेट नहीं लगता। हर बंदा कहता है यार अच्छा गाड़ी ये जी लगी हुई है ये बनी हुई है। कैसी लगी व्यूअर्स आज की वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।